आज हम पढ़ेंगे कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम, कल हमने पढ़ा था कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, अब आज पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। कॉकरोच में रेस्पिरेशन ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा होता है। कॉकरोच के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा होता है। इसमें जो ट्रैकिया, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, और इसीलिए इसका जो क्या नाम है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होने के कारण वो रेस्पिरेशन में भाग नहीं ले पाते। इसीलिए इसमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा, ट्रैकिया के द्वारा, और इस ट्रैकिया के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको अपन कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, पूरा जो ट्रैकियल सिस्टम होता है वो एक नेटवर्क के रूप में, ये दिख रहा है आपको, ये नेटवर्क के रूप में पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है। ट्रैकिया के लिए, श्वसन के लिए इसमें स्पाइरिकल प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरिकल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम श्वास रंध्र भी कहते हैं। ये कितने पेयर होते हैं, ये 10 पेयर होते हैं, जिनमें से 2 पेयर थॉरेक्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थॉरेक्स में, और बाकी बचे कितने, 10 में से 8 पेयर, 8 पेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन पे, एब्डोमेन पे या उधर वाले भाग पर प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल जो ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकियल सिस्टम में सबसे पहले क्या आएगा, स्पाइरिकल, स्पाइरिकल कितने पेयर है, 10 पेयर, जिनमें से 2 पेयर तो थॉरेक्स में प्रेजेंट होते हैं और 8 पेयर एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक स्पाइरिकल, ये देखिए, ये स्पाइरिकल किसमें खुलता है, एक चैम्बर में खुलता है, कैविटी में खुलता है, जिसे एट्रियम और ट्रैकियल चैम्बर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एट्रियम और ट्रैकियल चैम्बर खुलता है, ट्रैकियल चैम्बर कहते हैं। इस ट्रैकियल चैम्बर में क्या प्रेजेंट होता है, वाल्व उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है। ट्रैकियल किसके अंदर, इस स्पाइरिकल पर क्या प्रेजेंट है, एक वाल्व प्रेजेंट होता है। ये वाल्व किससे सराउंडेड रहता है, इसके नीचे की तरफ हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि वायु को छानने का काम करते हैं। ये क्या है, ये फिल्टरिंग एपरेटस है। तो किसका काम करता है, फिल्टरिंग एपरेटस का काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले रेस्पिरेशन ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा होगा, और इसमें जो स्पाइरिकल्स होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम में क्या आता है, सबसे पहले स्पाइरिकल, स्पाइरिकल 10 पेयर, जिनमें से 2 पेयर थॉरेक्स में, 8 पेयर एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे के सारे जो स्पाइरिकल्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्लूरॉन्स पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लूरॉन्स के ऊपर, जानते हैं ना, तरगम, स्टर्नम और साइड वाले प्लूरॉन्स या प्लूराइड्स, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक स्पाइरिकल्स जो होता है वो किसमें खुलता है, एक एट्रियम यानी ट्रैकियल चैम्बर में। ट्रैकियल चैम्बर्स किससे सराउंडेड, किससे घिरा हुआ रहता है, ये एट्रियम यानी जो स्पाइरिकल होता है, स्पाइरिकल किससे घिरा हुआ रहता है, एक वाल्व से घिरा हुआ रहता है। और क्या नाम है, वाल्व में क्या होती है, नीचे की तरफ क्या उपस्थित होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि मिट्टी धूल के कणों को वहीं रोकने का कार्य करते हैं। अब स्पाइरिकल से इनके अंदर थॉरेक्स के फर्स्ट पेयर पर और एब्डोमेन के फर्स्ट पेयर पर, दोनों के फर्स्ट पेयर पर वाल्व एब्सेंट होता है। ठीक है, कौन से, थॉरेक्स का फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर ऑफ थॉरेक्स यानी वक्ष, और फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमेन यानी उदर, इन दोनों पर वाल्व एब्सेंट होता है। यानी ये दोनों पेयर हमेशा क्या कर रहते हैं, ओपन रहते हैं। स्पाइरिकल जो होता है, स्पाइरिकल से
ट्रैकियल ट्रंक निकलते हैं। कितने पेयर? 3 पेयर्स। और ट्रैकियल ट्रंक से फिर ट्रैकिया निकलती है। ये देखिए, ये ट्रैकियल ट्रंक इस तरफ होते हैं और ये सब आपस में ट्रांसवर्स कनेक्शन की तरह जुड़े हुए रहते हैं। ये क्या है? ट्रैकियल ट्रंक। ये ट्रैकियल ट्रंक एक दूसरे से ट्रांसवर्स कनेक्शन के द्वारा अटैच होते हैं। तो ट्रैकियल ट्रंक से क्या निकलता है? ट्रैकिया निकलती है। इस ट्रैकिया में, इस ट्रैकिया का ओरिजिन किससे होता है? एक्टोडर्म से इसका ओरिजिन होता है। और इस ट्रैकिया में क्यूटिकल के छल्ले प्रेजेंट होते हैं। किसके रिंग प्रेजेंट है? क्यूटिकल के रिंग प्रेजेंट होती है, जो कि इसको कोलैप्स होने से रोकती है, यानी ट्रैकिया को खिचकने से रोकती है। क्वेश्चन बहुत आता है कि ट्रैकिया में किसके छल्ले पाए जाते हैं, तो किसके? क्यूटिकल के छल्ले प्रेजेंट होते हैं। और ये इनका कार्य क्या होता है? ये ट्रैकिया को खिचकने से रोकते हैं। ट्रैकिया से आगे की तरफ क्या निकलता है? ट्रैक्यूल्स। ट्रैकिया और अधिक ब्रांच हो जाती है और इनको अपन क्या कहते हैं? ट्रैक्यूल्स। इस ट्रैक्यूल्स के अंदर क्यूटिकल रिंग एब्सेंट होती है और ट्रैक्यूल्स क्या हो जाती है? ट्रैक्यूल्स शाखित होकर के टी सेल के अंदर एंड कर जाती है। यानी जो ट्रैकिया किसके अंदर एंड कर जाती है? सेल के अंदर प्रवेश कर जाती है। यानी ये पूरी बॉडी के अंदर एक सेल के रूप में वो एंटर कर जाती है। कौन? ट्रैक्यूल्स। तो ये देखिए आप, स्पाइरिकल कितने पेयर? 10 पेयर, जिनमें से 2 पेयर थॉरेक्स में, 8 पेयर एब्डोमेन में, जिनमें से 1 पेयर ऑफ थॉरेक्स है ना, और 1 पेयर एब्डोमेन का, उसमें दोनों में वॉल्व एब्सेंट होते हैं और ये हमेशा ओपन रहेगा। इसीलिए फिर स्पाइरिकल किसमें खुलता है? इससे क्या निकलती है? ट्रैकियल ट्रंक। ट्रैकियल ट्रंक कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं। और इन ट्रैकियल ट्रंक से फिर किसमें ब्रांच हो जाता है, किसमें शाखित हो जाता है? ट्रैकिया के अंदर। और इन ट्रैकिया पर क्यूटिकल रिंग प्रेजेंट होती है, जो कि इसको कोलैप्स होने से या पिचकने से रोकती है। ठीक है, ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया और अधिक शाखित हो जाती है ट्रैक्यूल्स के अंदर, और इन ट्रैक्यूल्स में शाखाएं वो क्यूटिकल रिंग एब्सेंट होती है। और ये जो ट्रैक्यूल्स होती है, ये बॉडी के अंदर सेल के रूप में एंड हो जाती है। तो ये तो क्या था इसका, क्या नाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। इनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है किसके अंदर? ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया के द्वारा जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, यानी डिफ्यूजन के द्वारा होता है, यानी विसरण के द्वारा होता है गैसेस का एक्सचेंज। और इसमें कौन सी मसल हेल्प करती है? इसमें इनको टर्गो एक्सटर्नल मसल्स हेल्प करती है। इसको टर्गो एक्सटर्नल मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वक्ष और थोरेक्स, वो वक्ष और एब्डोमन, यानी क्या नाम है, थोरेक्स और एब्डोमन या वक्ष और उदर के टर्गम और एक्सटर्नम से ये मसल्स लगी हुई रहती हैं, इसलिए इसको टर्गो एक्सटर्नल मसल्स कहते हैं। और ये टर्गो एक्सटर्नल मसल्स इनको इसमें हेल्प करती है, इसको गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। जब और गैसेस का एक्सचेंज कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो गैसेस एक्सचेंज किसके द्वारा होगा? गैस का एक्सचेंज या आदान प्रदान डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होगा। और किसके द्वारा होगा? टर्गो एक्सटर्नल मसल्स के द्वारा होगा। ठीक है, और ये टर्गो एक्सटर्नल मसल्स किस किस की होती है? वक्ष की और उदर की। एक तरफ ये टर्गम से जुड़ी रहती है, एक तरफ एक्सटर्नम से जुड़ी रहती है, इसीलिए इसको टर्गो एक्सटर्नल मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ट्रैकिया श्वसन किसके द्वारा होगा? ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा। इसमें क्या नाम है, ब्लड में हीमोग्लोबिन के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसीलिए इसमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? ट्रैकियल सिस्टम के रूप में होता है। ट्रैकियल सिस्टम में स्पाइरिकल प्रेजेंट है, स्पाइरिकल्स एब्डोमेन और थॉरेक्स में प्रेजेंट होते हैं,
टू पेयर थोरक्स में, एट पेयर एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक स्पाइरिकल एक एट्रियम या ट्रैकियल चैम्बर में खुलता है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है ये, और हेयर से सराउंडेड रहता है। ये क्या करते हैं वॉल्व और हेयर जो होती है, हेयर क्या करती है धूल मिट्टी के कणों को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। फिर स्पाइरिकल से क्या निकलती है ट्रैकियल ट्रंक, कितने पेयर, तीन पेयर, और ये तीनों पेयर जो ट्रैकियल ट्रंक होती है इसके बाद ट्रैकियल ट्रंक से निकलता है ट्रैकिया। ये देखिए ट्रैकिया, ट्रैकिया पे क्यूटिकल के छल्ले प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या करते हैं ये ट्रैकिया को पिचकने से रोकते हैं। और ट्रैकिया का ओरिजिन किससे होता है, एक्टोडर्म से। क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं कि ट्रैकिया का ओरिजिन किससे होता है, क्यूटिकल की रिंग किस में पाई जाती है, ट्रैक्यूल्स में, ट्रैकिया में, स्पाइरिकल में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि कहाँ प्रेजेंट होती है। और ट्रैकिया फिर और अधिक ब्रांच हो जाती है और अधिक शाखित हो जाती है जिसे हम ट्रैक्यूल्स या ट्रैकियल कैपिलरीज कहते हैं। और फिर ये क्या करती है, ये सेल के रूप में शाखित हो जाती है, एंड हो जाती है। और इनमें गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा होता है, जो कि किसके द्वारा होगा, टर्गो एक्सटर्नल मसल्स के द्वारा होता है। जब एब्डोमेन में एक्सपेंड होता है, एब्डोमेन यानी उदर, कैसा होता है इसमें कि जब उदर वाले भाग में यानी एब्डोमेन वाला पार्ट एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड हो जाता है अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो वॉल्यूम कम होगा तो बाहर वाली वायु स्पाइरिकल से होती हुई कहां जाती है, अंदर की तरफ आ जाती है। और इसको हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या हुआ, इंस्पायरेशन में क्या चीज एक्सपेंड हुई, एब्डोमेन एक्सपेंड हुआ। एब्डोमेन एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाएगा, है ना। और वॉल्यूम कम होने के कारण प्रेशर भी कम हो, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे बाहर वाली वायु अंदर आ जाएगी और इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। और जब एक्सपेंड वो एब्डोमेन में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी टर्गो एक्सटर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, अंदर वाला प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जिससे जो वायु अंदर की वो बाहर निकल जाएगी और उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। तो यानी जब एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर कहां चली जाएगी, अंदर वाली इनर एयर कहां जाएगी, बाहर, बाहर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन। क्लियर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। कॉकरोच के अंदर जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, मेल्पीजियन टिब्यूल्स के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट अपन कौन सा पढ़ा करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र। कॉकरोच के अंदर उत्सर्जन किस किस के द्वारा होता है, सबसे पहला जो अपन जानते हैं मेल्पीजियन टिब्यूल्स, नंबर एक, नंबर दो यूरिकोज ग्लैंड जो कि केवल मेल में पाई जाती है, फैट बॉडीज, नंबर चार फैट बॉडीज यूरिकोज ग्लैंड में नेफ्रोसाइट्स, और पांच क्यूटिकल। तो कॉकरोच के अंदर जो उत्सर्जन होता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेल्पीजियन टिब्यूल। इसके अलावा अगर आपसे नीट में कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए इनमें कॉकरोच में उत्सर्जन किस किस के द्वारा होता है, तो अगर आप केवल एक ही चीज पढ़ेंगे मेल्पीजियन टिब्यूल तो सीधे आप उस पर टिक कर देंगे, इसलिए चार ऑप्शन पढ़ना। यूरिकोज ग्लैंड के द्वारा भी उत्सर्जन होता है, ये मेल के अंदर प्रेजेंट होती है, फैट बॉडीज के द्वारा भी होती है, और नेफ्रोसाइट जो कि हर्ट के चारों तरफ होती है, हृदय के चारों तरफ नेफ्रोसाइट भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। और फिर क्यूटिकल,
कूटिकल के द्वारा भी उत्सर्जन होता है बॉडी के ऊपरी भाग पर, जो वेस्ट प्रोडक्ट लगे होते हैं नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, ये क्यूटिकल उतारता है उसके साथ निकल जाते हैं, इसलिए उसका उत्सर्जन भी होता है। तो सबसे पहले अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेलपीजियन टिब्यूल्स। ये मैंने आपको बताया था कि मेलपीजियन टिब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेलपीजियन टिब्यूल्स फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर, यहाँ पर इंटेस्टाइन में पड़ा था, वो सॉरी आर नाम के अंदर पड़ा था फोरगट, यानी मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। कौन? मेलपीजियन टिब्यूल्स, ये मिडगट यानी मध्यांत्र और ये पश्चांत्र यानी हाइंडगट, इन दोनों के जंक्शन पर लंबी पतली धागे के समान संरचना लगी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेलपीजियन टिब्यूल्स। मेलपीजियन टिब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? मेलपीजियन टिब्यूल्स मध्यांत्र और पश्चांत्र के जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं, यानी मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे के समान पतले अनब्रांच और शाखित और येलो कलर की संरचना होती है, जिनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या, इनकी संख्या 100 से 150 होती है। और ये जो मेलपीजियन टिब्यूल्स होते हैं, इनकी जनरली वैसे आपके उसमें नहीं बताया, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी आउटसाइड से आ जाए तो इसके अंदर सिक्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम की कवरिंग होती है और अंदर की तरफ एक क्या प्रेजेंट होता है, ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है। इम्पोर्टेंट चीज, ये ब्रश बॉर्डर किसने पाए जाते हैं, बाय द वे आपसे कभी आउटर मीट के जो एनसीईआरटी के से बाहर जो क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर केवल कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कॉकरोच के मेलपीजियन टिब्यूल में प्रेजेंट होते हैं, और इससे के द्वारा एब्जॉर्प्शन एरिया यानी अब्सॉर्प्शन एरिया इनका कई गुना इंक्रीज हो जाता है। मेलपीजियन टिब्यूल के दो पार्ट होते हैं, अपन ने ये देखा था वहां पर डायग्राम में, इस तरीके से लगे हुए रहते हैं, इस तरीके से लगे हुए थे मिडगट और हाइंडगट पे ट्यूब के लिए समान संरचना थी, तो ये सेम एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना दिया है। और इसका एक दूरस्थ सिरा होता है, दूरस्थ सिरा देखो क्लोज है, बंद है, और समीपस्थ सिरा, समीपस्थ सिरा किसमें खुल रहा है, ये हाइंडगट के अंदर खुलता है, किसमें खुलता है, हाइंडगट के अंदर खुलता है। तो देखिए यहाँ से भी कितने क्वेश्चन बन गए आपके, ये दूरस्थ सिरा इसका कैसा होता है, इसका मेलपीजियन टिब्यूल्स का तो क्लोज है, दूरस्थ सिरा कैसा होता है, बंद होता है, और समीपस्थ सिरा कैसा होता है, खुला होता है, किसमें खुलता है, हाइंडगट के अंदर खुलता है। ठीक है, तो ये सारे जो मेलपीजियन टिब्यूल है किसमें तैरते रहते हैं, हीमोलिम्फ में, हीमोलिम्फ के अंदर ये तैरते रहते हैं, तो वहां से ये क्या करते हैं, पोटेशियम यूरेट इनके अंदर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और H2O CO2 ये दोनों इनके अंदर जाने लगते हैं, पोटेशियम यूरेट, KU का मतलब क्या होता है, पोटेशियम यूरेट, पोटेशियम यूरेट, सोडियम यूरेट, ये है ना। तो अपने को ये मालूम है कि जो डिस्टल पार्ट होता है वो दूरस्थ वाला भाग, और यानी ये कैसा होता है, सिक्रेटरी नेचर का होता है, स्त्रावी नेचर का होता है ना, और ये जो समीपस्थ वाला भाग होता है ये एब्जॉर्प्टिव यानी अवशोषी नेचर का होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जब इसके अंदर पोटेशियम यूरेट गांठर होने लगता है, ये सारी चीजें किसमें तैर रही है, हीमोलिम के अंदर, तो ये हीमोलिम से किसको अवशोषित करेगा, H2O को, CO2 को और पोटेशियम यूरेट का, तो H2O और CO2 ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, फॉर्मिक एसिड H2CO3, और H2CO3 जो होता है ये किससे रिएक्ट कर लेता है, ये पोटेशियम यूरेट से, तो क्या बना लेगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड। अब प्रॉक्सिमल पार्ट कैसा है, अवशोषी, तो ये क्या करेगा, ये इसके शरीर के लिए जो उपयोगी सब्सटेंस है जैसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट है जल, इन सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और यूरिक एसिड, जो ये यूरिक एसिड ये बना, इस यूरिक एसिड को
किसके अंदर डाल देता है? हाइंड गट के अंदर। तो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? इसका यूरिक एसिड। और उस यूरिक एसिड को ये बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा अब्सॉर्ब करके हाइंड गट के अंदर डाल देता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? ये कैसा हो गया? यूरिकोटैलिक। कैसा हो गया कॉकरोच? यूरिकोटैलिक, यानी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करता है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए इसमें कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है, तो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट है। नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट को ये कौन सी रिएक्शन के द्वारा अवशोषित करता है? बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा, यानी जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा ये इसको अवशोषित करता है। और किसमें डाल देता है? हिंड गट के अंदर डाल देता है। तो कैसा हो गया? यूरिकोटैलिक हो गया। तो कॉकरोच के अंदर उत्सर्जन मेल्पिजन डिब्यूस के द्वारा। मेल्पिजन डिब्यूस मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर पतले धागे के समान येलो कलर की संख्या संरचना होती है, जिसकी संख्या 100 से 150 होती है। और इसमें क्यूबॉइडल एपिथीलियम की कवरिंग पाई जाती है, जिसमें कैविटी होती है और उसमें क्या रहते हैं, बहुत से ब्रश बॉर्डर होते हैं। और इन ब्रश बॉर्डर के कारण इनका अवशोषण एरिया कई गुना बढ़ जाता है। इस क्या नाम मेल्पिजन ट्यूबल का दूरस्थ सिरा स्रावी नेचर का होता है, समीपस्थ सिरा अवशोषी नेचर का होता है। और ये सब किसमें तैरते हैं? हीमोलिन के अंदर। तो हीमोलिन से ये क्या करते हैं? पोटेशियम यूरेट अंदर होने लगता है, H2O CO2। तो ये H2O CO2 आपस में मिलकर के फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे और H2CO3 फिर पोटेशियम यूरेट या सोडियम यूरेट से मिलकर के पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड बनाता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? शरीर के लिए यूजफुल है, उसको ये प्रॉक्सिमल पार्ट अवशोषित कर लेता है। और यूरिक एसिड को क्या करता है? बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा अवशोषित करके किसमें डाल देता है? हिंड गट के अंदर। और इस प्रकार से कॉकरोच यूरिकोटैलिक होता है। इसके अलावा इसमें उत्सर्जन होता है यूरिकोस ग्लैंड, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स और क्यूटिकल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम अपन पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस तंत्रिका तंत्र। जनरली किसी का भी जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तीन भागों में डिवाइड होता है। कॉकरोच का भी जो तंत्रिका तंत्र है वो तीन भागों में डिवाइड है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ऑटोनोमस यानी स्वायत्त। ऑटोनोमस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका किससे मिलकर बना होता है? ब्रेन प्लस नर्व। प्लस गैंग्लियन से। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और गैंग्लियन से निकलने वाली नर्व। और लास्ट ऑटोनोमस, जो कि कैसा होता है नेचर में, ये ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम होता है इसका सबसे बड़ी विशेषता है कॉकरोच की कि ये तंत्रिकीय यानी न्यूरल के साथ साथ अंतःस्रावी भी होता है। तंत्रिकीय प्लस अंतःस्रावी यानी न्यूरल प्लस एंडोक्राइन नेचर का होता है। ठीक है, तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तीन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो ब्रेन नर्व कॉर्ड और गैंग्लियन से मिलकर बना होता है। दूसरा जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ब्रेन और गैंग्लियन से निकलने वाली जो नर्व होती है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती है। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो कि तंत्रिकीय और अंतःस्रावी दोनों नेचर का होता है, अर्थात न्यूरल और एंडोक्राइन नेचर का होता है। अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये ब्रेन है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसोफेगस या ग्रसिका के ऊपर की तरफ एक बाइलोब यानी द्विपरालित गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, जिसे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। ये वास्तव में तीन जोड़ी गैंग्लियन के फ्यूजन से बनता है।
सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, और कहाँ प्रेजेंट है? इसोफेगस या ग्रसिका के पृष्ठ वाले भाग पर, ग्रसिका के अधर वाले भाग पर एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। सब का मतलब ही होता है नीचे, है ना, तो सब उसे क्या कहते हैं, ये भी द्वीपालित होता है, ये भी तीन जोड़ी गैंग्लियन से जुड़ने से बनता है, इसे बोलते हैं सब इसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन सब इसोफेजियल गैंग्लियन से एक कनेक्टिव के एक उसके द्वारा जुड़ता है, रिंग के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे बोलते हैं सरकम इसोफेजियल कमीशन। यहाँ पे इसको कनेक्टिव क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे दोनों गैंग्लिया समान है। जब दो गैंग्लिया समान होते हैं और उसको जब नर्व जोड़ती है तो उसे बोलते हैं कमीशन, और अगर जब दो गैंग्लिया असमान होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बता कॉकरोच की ब्रेन रिंग किस किस से मिलके बनी होती है, तो किस किस से मिलके बनी है, नंबर एक सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, नंबर दो सब इसोफेजियल गैंग्लियन, और सरकम इसोफेजियल कमीशन। ठीक है, अब इनके जस्ट पीछे सब इसोफेजियल गैंग्लियन से पीछे की तरफ एक दोहरी सॉलिड ठोस नर्व कॉर्ड, इसका नाम क्या है, नर्व कॉर्ड, कैसी है, डबल है और सॉलिड है। ठीक है, जो कि प्रत्येक खंड में फूल के गैंग्लिया बनाती है। तो टोटल कितने गैंग्लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 9, टोटल 9 गैंग्लिया होते हैं इसमें, जिनमें से 3 गैंग्लिया फॉरेक्स वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं, बक्ष वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं, और 6 गैंग्लिया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छह गैंग्लिया एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एब्डोमेन का यानी उधर का छठा गैंग्लिया, ये कौन सा गैंग्लिया है, 6 गैंग्लिया, ये गैंग्लिया अन्य गैंग्लिया के अपेक्षा बड़ा होता है, क्योंकि ये कई गैंग्लिया के फ्यूजन से बनता है। लेकिन ये उधर के छठे खंड में ना होकर के उधर के सातवें खंड में प्रेजेंट होता है। ये जो 6 गैंग्लिया है एब्डोमेन का, इसका एब्डोमेन का, एब्डोमेन मतलब उधर, उधर का छठा गैंग्लिया उधर के सातवें खंड में प्रेजेंट होता है। कौन से खंड में प्रेजेंट है, ये सातवें खंड में प्रेजेंट होता है, क्योंकि बड़ा होता है और कई गैंग्लिया के फ्यूजन से बनता है। ठीक है, और जो क्या नाम है, इसमें जो रिंग बनती है यानी सुप्रा इसोफेजियल को हम ब्रेन भी कहते हैं। आपसे पूछेंगे ब्रेन इसमें कौन सा है, तो ब्रेन कौन सा हो गया, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, जो ऊपर की तरफ गैंग्लियन है वो ब्रेन की तरह कार्य करता है। तो कौन है, आपको सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, ये ब्रेन की तरह इसमें कार्य करता है। इससे जो तंत्रिका निकलती है वो कहाँ जाती है, एक तो एंटीना की तरफ जाती है और एक आईज में, तो इनसे जो तंत्रिका निकलेगी इससे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से, इससे निकलने वाली तंत्रिका ब्रेक वो सॉरी एंटीना और नेत्र में जाती है, आईज में, कंपाउंड आईज में। ठीक है, फिर इसके अलावा ये तो क्या हुआ, नर्वस सिस्टम, ये मैंने आपको बताई दिया कि ऑटोनोमस कैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज न्यूरल और एंडोक्राइन दोनों नेचर का होता है। अब आपसे कोई पूछता है ये तो क्या हुआ नर्वस सिस्टम, इसके अलावा आपसे पूछेंगे संवेदी अंग के रूप में और कौन कौन से कॉकरोच के पार्ट्स काम करते हैं, तो संवेदी अंग के रूप में कौन कौन काम करता है, कंपाउंड आई, संयुक्त नेत्र, दूसरा पैल मैक्सिलरी पैल, मैक्सिला में थे ना, प्रथम मैक्सिला में जो थे पैल, और द्वितीय मैक्सिला में लेबियम जिसको कहते हैं उससे निकलता है लेबियल पैल्प, लेबियम से कौन सा पैल्प निकलता है, लेबियल पैल्प, लेबियम से निचले ओट से, और इसके अलावा एनल सिरसाई, एनल सिरसाई कहां प्रेजेंट थी, टर्गम से निकल रही थी ना, टर्ग 10वें टर्गम से 15 खंडीय संरचना निकलती थी जिसको हमने क्या कहा था, एनल सिरसाई, और इसका काम क्या था, ये ध्वनि को ग्रहण करने का काम कर रही थी, साउंड रिसेप्टर का कार्य कर रही थी। ठीक है, तो ये कंपाउंडाइज मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प और एनल सिरसाई, ये सब क्या है, ये है संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स। क्वेश्चन में अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉकरोच के कौन कौन से संवेदी अंग है, तो आपको ध्यान रखना है कंपाउंडाइज मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, मैक्सिलरी पल्प मैक्सिला से निकलता है, लेबियल पल्प लेबियम से निकलता है, एनल सिरसाई
दसवें टर्गम से निकलता है और ये सारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, संवेदी अंग की तरह कार्य करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कंपाउंड आई, संयुक्त आंखें, संयुक्त आंख की इकाई क्या थी, संयुक्त आंख की इकाई कंपाउंड आई की इकाई क्या थी, इसकी इकाई थी ओमेटीडिया। लगभग कितने ओमेटीडिया से बना था कंपाउंड आई, 2000, लगभग 2000 ओमेटीडिया से मिलकर के एक कंपाउंड आई का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कंपाउंड आई होती है ये क्या करती है, ये सारे कई ओमेटीडिया जो मिलते हैं इस कंपाउंड आई के लिए क्या है, ओमेटीडिया। कितने ओमेटीडिया से मिलकर बना, 2000 ओमेटीडिया से। तो ये जो ओमेटीडिया होते हैं ये एक दूसरे से एक मतलब आपस में मिलकर के कई प्रकार की इमेज बनाते हैं और इस प्रकार की कई इमेज बना लेते हैं, यानी ओवरलैप होती है इनकी इमेज, है ना, प्रत्यारोपित होती है। ऐसी इमेज को क्या कहते हैं हम, इस इमेज को बोलते हैं मोजेक दृष्टि। कौन सी दृष्टि बोलते हैं, मोजेक इमेज या मोजेक दृष्टि या एपोजिशन, दो नाम है, मोजेक इमेज, मोजेक विजन और एपोजिशन, एपोजिशन। जिनकी इस मोजेक विजन की, इस मोजेक दृष्टि की, अभी इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि मोजेक विजन किसमें प्रेजेंट, कॉकरोच में कौन सा विजन है, तो कॉकरोच में मोजेक विजन है, मोजेक विजन नाम नहीं आएगा तो अपोजिशन होता है। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स पढ़िए तो आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो मोजेक विजन या अपोजिशन ये इसमें प्रेजेंट होता है। अब मोजेक विजन की विशेषता क्या है कि इनकी सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, मोजेक विजन की सुग्राहिता ज्यादा होती है, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है और इसकी रिजोल्यूशन पावर यानी विवेदन की क्षमता कम होती है। तो आपसे कोई पूछेगा इधर ये क्वेश्चन देखो इस तरह इस तरीके से बन सकता है कि मोजेक दृष्टि या एपोजिशन जो कॉकरोच में प्रेजेंट होता है उसकी सुग्राहिता कम होती है और विभेदन क्षमता अधिक होती है। उल्टा बोल दे रहे, सुग्राहिता ज्यादा होती है, विभेदन क्षमता कम होती है। ऐसे चार पांच ऑप्शन, तीन चार ऑप्शन दे देंगे तो आपको ध्यान रखना है इसकी सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी ज्यादा है, रिजोल्यूशन पावर कम होती है, विभेदन क्षमता इसकी कम होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।